बन के तैयार हो गए हैं। भोलेनाथ जी की स्पेशल पूजा करने के लिए। ये मेरी पूजा की थाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 4:45 हुए हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, आज सोमवार है तो सबसे पहले आप लोगों को सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज शिव जी भगवान जी का बार है और आज मेरा है व्रत। मैं व्रत करती हूँ सोमवार के दिन। तो अभी मंदिर ही जा रही हूँ। तो अभी बाहर का दिखाऊं तो बाहर तो अभी पूरा अंधेरा है क्योंकि 4:45 बजे इतना उजाला नहीं होता है। तो फिर भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है बाहर का मौसम। चलिए, ये देखिए, अभी कुछ भी नज़र नहीं आएगा बाहर। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और नहाने के लिए आ गई थी बाथरूम में और अपनी पूजा की थाली को तैयार कर रही थी। और इतने सुबह मैं तभी उठती हूँ जिस दिन मेरा व्रत हो, और नहाने के लिए भी तभी आती हूँ, नहीं तो मैं बाद में नहाती हूँ जब दुकान जाना होता है। तो ये देखिए मॉर्निंग का व्यू। तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ, साथ में मैंने सोचा मंदिर में पूजा भी करके आती हूँ। तो मैं सुबह सुबह नहा गई हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा सिल्वर प्ले बटन मैंने यहाँ पे रूम पे लगा दिया है। ये देखिए, चमक रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि गिन्नी का 10th क्लास का परीक्षा परिणाम निकला था जिसमें गिन्नी डिस्ट्रिक्ट में टॉप आई। लेकिन मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि गिन्नी हमारी सांगला तहसील में टॉप आई है। तो बाद में पता चला स्कूल प्रिंसिपल से कि गिन्नी पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही टॉप आ गई है। तो आप सभी ने गिन्नी को मेरे पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए सॉरी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए, आप लोगों को करवा देती हूँ शिव जी भगवान जी के दर्शन जो है हमारी सांगला वैली के गंगारंग में। नहीं तो देर हो जाती है क्योंकि मेरा 5 बजे का टाइम है वहां पे जाने का। तो मैं 5 बजे निकल जाती हूँ मॉर्निंग में, चाहे मॉर्निंग वॉक देख लो चाहे पूजा देख लो, अब तो दोनों एक साथ हो जाएगी। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और मैंने आज पहन ली है मेरी जगन्नाथ पुरी वाली ड्रेस, मैंने वहां पे ये शॉपिंग करके ली थी। तो कभी कभी जब इस तरह से दिन होता है, ब्लेसिंग डे होता है, तो ये ड्रेस पहनना बहुत जरूरी और पहननी भी पड़ती है। तो पहन ली आज मैंने, ये देखिए, साथ में जुराबे पहनी है क्योंकि ठंड होती है सुबह सुबह और बाल तो अभी गीले ही हैं। तो जैकेट ले जाऊंगी नहीं तो वहां पे ठंड लग जाएगी, बहुत ठंड होती है। और पूजा के लिए निकाल लूंगी मैं फूल जो हमारे घर के आंगन की क्यारी में ही लगे हैं। अलग अलग तरह के बहुत ही सुंदर फूल हैं, लेकिन ये बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, पूजा के लिए ना मुझे फूलों की जरूरत थी, तो कुछ तो मुझे घर में मिल गए लेकिन कुछ मैं खेत में आ गई हूँ लेने के लिए। देखिए, एप्पल ऑर्चर्ड, तो एप्पल के सफेद रंग के फूल मैं ले लेती हूँ। तो फूल मैंने निकाल दिए हैं और मैं चल पड़ी हूँ मंदिर। ये मेरी पूजा की थाली और मैं आ गई हूँ पैक हो के। ये देखिए, नहीं तो ठंड है सुबह सुबह और उजाला भी हो गया अब तो। फ्रेंड्स, फाइनली पहुँच गई हूँ मैं हमारी सांगला वैली के गंगारंग में, शिव जी भगवान जी के मंदिर में। तो शिवलिंग के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गंगा स्नान कर लेती हूँ। वैसे घर का स्नान तो मैं करके आई हूँ पर गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी है जब यहाँ पे आए हैं। आप लोगों को पता ही, अपनी आँखों में अगर मैं जल ना डालूँ तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो दर्शन करवा लेती हूँ आप लोगों को पहले हमारी सांगला वैली में किन्नर कैलाश और साथ में शिव जी भगवान जी के मंदिर के। तो ये देखिए जी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं किन्नर कैलाश। आज बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे हैं क्योंकि आज धुंध नहीं है, मौसम भी साफ है आज। ये देखिए, बाद में बहुत अच्छी धूप लगने वाली है। और किन्नर कैलाश से आ रही गंगा मैया की शुद्ध पावन धार, ये देखिए, जो जा रही है बासपा रिवर में, नीचे जाके बासपा रिवर में जाके मिल रही है, जो आ रही है तिब्बत से, बासपा रिवर तिब्बत से आ रही है। और ये है हमारी सांगला वैली में शिव जी भगवान जी का मंदिर। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और साथ में शंख के भी दर्शन करवा लेती हूँ, जो नेचुरल शंख है। ये देखिए, शंख की शेप में बना हुआ ये पत्थर। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हो गई है मेरी पूजा शिव जी भगवान जी के मंदिर में। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारी सांगला वैली के गंगारंग में शिव जी भगवान जी के मंदिर के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ
हूँ वापिस आते हुए, तो मैंने आप लोगों को रास्ते का कोई व्यू शेयर नहीं किया क्योंकि देर हो जाती है और मैं जल्दी पहुँचना चाहती थी मंदिर में। सुबह सुबह अच्छा लगता है पूजा करना, ठंड बहुत ज़्यादा होती है पर यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत देर से आती है और अब आप लोग देख सकते हैं पहाड़ियों पर धूप आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा दिखाऊंगी आगे जाके आप लोगों को बैक कैमरे से। तो सब लोग ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ये सांगला वैली के गंगा रंग का ब्रिज जहाँ से मैं जा रही हूँ और ये देखिए ओम नमः शिवाय किन्नर कैलाश। तो चलते हैं, आज व्रत है मेरा तो आप लोगों को पता ही है, इसके बाद अब ब्रेकफास्ट की तैयारी मेरी नहीं पर बाकी फैमिली की। तो ये देख सकते हैं आप लोग सांगला कंडे की हसीन वादियों में धूप आ चुकी है लेकिन गंगा रंग में अभी धूप आनी बाकी है, बहुत देर से आती है। तो ये देखिए पहाड़ियों पर धूप। तो जी सुबह की पूजा करने के बाद अब आप लोगों को ले जाती हूँ किचन में और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं हमारी सांगला वैली के चुनिंदा बागवानों से चुनी हुई नमकीन चाय की पत्ती, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एकदम नेचुरल कलर, जो इन दो लकड़ियों को डालने से ही इतना कलर आ गया है। तो ये लकड़ियाँ हम लोग हमारी सांगला वैली के जंगलों से बहुत दूर दूर से ऊँची ऊँची हाइट से लाना पड़ता है। तो ये हमारी नमकीन चाय एकदम ऑर्गेनिक है, इसी को ही हम लोग पहाड़ों में पीते हैं और ये गर्म भी होती है जिससे कोई भी साइड इफेक्ट कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसको बनाने के लिए पहले मैंने पानी में इसको बॉइल कर दिया और फिर इस लकड़ी को बाहर निकालने के बाद फिर आप लोग देख सकते हैं मिक्सर में मैंने वॉलनट के नट्स को पिसाया है और फिर इसमें दूध ऐड करेंगे और थोड़ा नमक स्वादानुसार डालेंगे तो इस तरह से ये चाय तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी, फुल फुल भर भर के गिलास हम लोग पी सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से इसको मिक्स करती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और अभी बनने के बाद ये चाय इतनी अच्छी लग रही है ना देखने में कि तीन तीन गिलास भर के पी जाऊँ मैं। तो आप लोग भी कभी हमारे किन्नौर में आओ तो नमकीन चाय ज़रूर पियो क्योंकि इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट कोई भी बीमारियाँ नहीं है, किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, तो एकदम ऑर्गेनिक है। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट तो हो गया है, बना दिया है, मतलब हो नहीं गया है बना दिया है और मेरा तो व्रत है आप लोगों को पता ही, और मैं लग गई हूँ अपनी शाम की पूजा की तैयारी करने। तो ये देखिए आज मैं आटे के दीपक बना रही हूँ, ये सिंदूर की डिबिया है, चंदन का टीका है इसमें, तो भोलेनाथ जी की स्पेशल पूजा के लिए ये आटे के दीपक तैयार किए जा रहे हैं। तो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को कैसे दीपक मैंने बनाए हैं, बस जितने आते हैं मुझे उतने में बना रही हूँ और मेरे भोलेनाथ जी मेरे इन दीपकों से ही खुश हो जाए, चाहे इनकी शेप जैसी भी बने पर वैसे बना रही हूँ। ठीक है तो 6 दीपक मैं तैयार कर रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह बना के रखती हूँ क्योंकि शाम को फिर मुझे इजी हो जाएगा पूजा करने के लिए, फिर शाम को मैंने प्रसाद ही बनाना है और फिर मंदिर जाना है। तो मेरा व्रत है आप लोगों को पता है, मैं व्रत कर रही हूँ भोलेनाथ जी का। ये देखिए अभी 6 दीपक ये तैयार हो रहे हैं, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। इसमें दीपक मैं बाद में डालूंगी शाम को क्योंकि ये सूखने के लिए रखूंगी इसको अभी। ठीक है दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी मेरे आटे के 6 दीपक बन के तैयार हो गए हैं और इसको थोड़ा सूखने के लिए रख रही हूँ, सुबह तक बनाए ताकि ये शाम तक सूख जाए और मैं इसमें दीपक डालूं और फिर इसमें घी भी डाल सकूं, तो ये बढ़िया सूख जाएंगे। और शेप आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी ही शेप मैंने दी है इनको। ठीक है घी इसमें बाहर नहीं जाएगा, जलेंगे बढ़िया, एकदम बढ़िया वाले जलेंगे बढ़िया। ये देखिए तो इसको मैं सूखने के लिए यहीं पे रख दूंगी थाली को, ये मेरी पूजा की थाली है। और अब मैं करती हूँ दुकान की तैयारी, फिर शाम को जाऊँगी मंदिर। तो फ्रेंड्स आज सोमवार का जो व्रत है उसमें ना ये आटे के दीपक बहुत अच्छे हैं, वैसे मिट्टी के दीपक भी, पिछली बार तो मैं मिट्टी के ही दीपक जला रही थी पर मैंने सोचा इस बार मैं आटे के दीपक बनाऊंगी। और आप लोग भी आटे के दीपक बहुत इजीली बना सकते हैं, आटे को थोड़ा सख्त हार्ड गूंदना है ताकि ये दीपक बढ़िया से सेट हो जाए, अगर बिल्कुल मुलायम जैसा पतला आटा गूंदेंगे ना तो फिर वो आटा फैल जाएगा और फिर दीपक टिक नहीं पाएंगे, मतलब स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, सूखेंगे नहीं जल्दी तो ये सूख जाएंगे। मैंने हार्ड एकदम सख्त आटा इसको गूंदा हुआ था, तो स्पेशल सिर्फ 6 दीपक के लिए मैंने आटा गूंदा है। तो हो गए जी दीपक तैयार, सूख जाएंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं चलती हूँ दुकान और फिर मिलती हूँ बाद में, और कुछ नया होगा तो शेयर करूँगी नहीं तो शाम की पूजा में ही आप लोगों के साथ मिलूंगी। तो जी फाइनली पहुँच गई हूँ मैं अपनी दुकान पर, ये देखिए खोल भी दी है, वैसे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने खोल दी थी और
वो थे यहाँ पे। अब 9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गई और मेरे हस्बैंड गए हैं तैयार होने के लिए अपनी दुकान के लिए। तो मौसम दिखाऊँ तो भाई बहुत ही सुहावना मौसम, एकदम चांदी वर्गा मौसम खिल चुका है सांगला वैली का। पिछले कल 2 दिन बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी मॉर्निंग में जब मैं गंगारंग में पूजा करने के लिए गई थी। तो आप लोगों को एक बार फिर से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, सच में बहुत अच्छी धूप लगी और मज़ा आ रहा है धूप सेकने का। तो ये देखिए जी, आप लोग दर्शन कर लीजिए किन्नर कैलाश के। ओम नमः शिवाय। अब तो चांदी की तरह चमक रही है ये वादियाँ, बहुत ही प्यारी। और साथ में पेड़ों पर पत्तियाँ भी काफ़ी आ गई है। ये देखिए, ये वॉलनट का पेड़ है सामने, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हरियाली बन रही है। अब मई महीने में हमारी सांगला वैली ग्रीन वैली हो गई है, होने वाली है और ज़्यादा होने वाली है, ये देखिए। तो जी अब हो गई है सुबह से शाम, बज गए हैं पूरे 6 और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए दुकान को क्लोज करके मंदिर एक बार फिर से पूजा करने के लिए। शाम की पूजा, सुबह की तो मैंने आप लोगों को शेयर की थी, तो अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी दिन भर तो कुछ खास नहीं था, नहीं तो मैंने आप लोगों को बताना था, बस यही था कि आजकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं सांगला में घूमने के लिए, वही था बस, और कुछ भी नहीं था जो मैं शॉर्ट वीडियो से आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो अभी करती हूँ फटाफट से क्लोज और चलती हूँ प्रसाद बनाने के लिए। ये देखिए अभी उजाला 6 बज गए हैं, धूप छुपनी शुरू हो गई है, सूर्य देव जी छुप रहे हैं। अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा सनसेट। तो ये देखिए जी, सांगला वैली में सनसेट का नज़ारा बहुत ही प्यारा। ओम सूर्य देवाय नमः। तो जी पहुंच गई घर और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ गैस को साफ, उसके बाद बनाती हूँ प्रसाद और साथ में लगी हूँ पूजा की थाली सजाने और इसके साथ ही प्रसाद बनाने के लिए लगा दिया है पैन। तो फ्रेंड्स पहुंच गई हूँ मैं हमारी सांगला वैली के गंगा रंग में शाम की पूजा करने के लिए और आज पैदल ही आई हूँ, आज गाड़ी कोई नहीं थी। तो ये देखिए अब मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ शिवलिंग में और ये देखिए किन्नर कैलाश के दर्शन। फाइनली मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट शिव जी भगवान जी के मंदिर में और अब मैं जा रही हूँ वापिस घर। तो यहाँ पे भक्तजन भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है, भीड़ भाड़ तो नहीं पर ऐसे ही मतलब टाइम टू टाइम आते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की शिव जी भगवान जी की पूजा पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके बाय बाय ऑल। ये देखिए मेरे पास अभी तक पूजा की थाली सामान सब कुछ है, तो फिर से पहुँच रही हूँ अब घर।